सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है और ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। बुंदेलखंड की जहां वेद व्यास की जन्मस्थली और हमारी बाईसा महारानी लक्ष्मीबाई जी की जा धरती पे हमें बैर बैर बीरा आबे को अवसर मिलो, हमें बहुत ही प्रसन्नता। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। भाइयों और बहनों, मैं दशकों से उत्तर प्रदेश आता जाता रहा। यूपी के आशीर्वाद से पिछले 8 साल से देश का प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का आप सबने जिम्मा दिया है, लेकिन मैंने हमेशा देखा था अगर उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण चीजें जोड़ दी जाए, उसकी कमी को अगर पूरा कर दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश चुनौतियों को चुनौती देने की बहुत बड़ी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है और ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी दोस्तों। इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है।
इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है।